सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र भंडारी और आज हम आ रखे हैं सबजंग टॉम, जो कि मुगल डायनेस्टी का लास्ट टॉम था। उसके बाद मुगल डायनेस्टी का कोई टॉम और बना नहीं। और ये जितने भी सारे टॉम दिल्ली में आप देखते हो, ये ज़्यादातर टॉम हुमायूं टॉम से इंस्पायर्ड होके ही बने। तो मैं अभी दोस्त की वेट कर रहा हूँ अरुण का, अरुण अभी आया नहीं, तो जैसे भी अरुण आता है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए योगेंद्र भंडारी ब्लॉग्स, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, ताकि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको बना के शो कर सकें। सो वेट करता हूँ उनका। और फाइनली हमारा कैमरामैन आ चुका है मिस्टर अरुण। क्या कैसे लेट हो गया? अरे वही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्या क्या आ गया? पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। क्यों, क्या हो गया था? वही अपने 100 पैसा दिए क्या? चल ठीक है, मैं तभी बहुत लेट क्यों हो गया तू? चल ओके। सो हम आ गए हैं सबजंग टॉम, आप पीछे से देख सकते हो ये इसका मेन एंट्रेंस है। अभी अरुण अगेन टिकट की स्कैनिंग कर रहा है दोबारा, नो कैश दोबारा भूल गया, तो अभी ये टिकट लेने की कोशिश कर रहा है। तो पहले जान लेते हैं कब और किसने और क्यों बनाया था। तो ये सबजंग का जो मकबरा है, ये 1753-54 में नवाब सलाउद्दीन ने अपने पिता मिर्जा मुकीम अबुल बसर खान, जिनकी उपाधि सबजंग थी, की स्मृति बनवाया था। सबजंग मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल 1719-48 में अवध के सूबेदार रहे और बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री बने। सो इसीलिए बना था ये मुगल डायनेस्टी का सबसे बना था लास्ट टॉम है, जो कि हुमायूं टॉम की शैली में बना गया है। तो बाकी इसके बाद लाल वज्री के पत्थर से बना हुआ है, बाकी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर जाकर हम देखते हैं क्या है। एंट्री इतनी जबरदस्त है, एंट्री का गेट इतना जबरदस्त है। लेफ्ट साइड में पब्लिकेशन काउंटर भी है, खाली खाली से बना। सामने आपको खिड़की और सबजंग टॉम, मुगल डायनेस्टी का लास्ट टॉम, सेम लाल बंजर से बना रहे। फाउंटेन के जो अभी बंद है, नहीं लगता ये आजकल, तो खैर मेंटेनेंस काम चल रहा है, तो टॉम के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो शक्ल शायद यही बंद है। हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं वो ओपन है कि नहीं है। लोग कुछ बैठे थे बट देखते हैं वो ओपन है। ये भी काफ़ी बड़ा टॉम एरिया में है, मतलब चारों तरफ देख सकते हो।
हर जगह दूर दूर तक गार्डन एरिया, जो कि जितने भी आप टॉम देखते हो मुगल डायनेस्टी के जो मुगल ने बनाए हैं उनके टाइम पे जो बने हैं, वो सभी जो टॉम हैं उनके मैक्सिमम टॉम होंगे चारों तरफ पार्क ही पार्क हैं, मतलब बहुत ओपन एरिया बने हुए हैं है ना, और चारों तरफ ग्रीनरी है। ये भले ही पेड़ जो है तो आप देख सकते हो शायद बाद में लगे हैं, बट तब के पेड़ तो नहीं होंगे, उस ग्रीनरी को सरकार ने मेनटेन किया हुआ है, बट एरिया बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर टॉम बनाए हैं। चलते हैं टॉम से। आओ चलते हैं ऊपर फर्स्ट फेज पे, बाद में ग्राउंड को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऊपर दिन के आप दिन के आ गए थोड़ा सा जी। जाते हैं यहाँ पर मुंडिया बनी है, पहले आई थी पानी रहा होगा, अभी तो कह रही बंद है, क्यों बनी है बताइए। कोई मेन एंट्रेंस जो भी यहाँ पर काम चल रहा है, और सामने मोस्ट प्रोबेबली सदरंग जो उपाधि मिली हुई थी जिस इंसान को, उसकी ये कब्र है। किसी ऊपर को आता है पानी से कुंडी यहाँ पर ही बनी है, तो नहीं ऐसे तो पानी काम करते हैं। ये पॉलिश कर रहे हैं, पत्थर चेंज कर रहे हैं, पत्थर चेंज कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ये बदल नहीं रहे। ये पहले से व्हाइट था, ये पहले तो लाल था ना, चेंज कर देना अंदर पत्थर। यहाँ पर एक मजदूर बता रहा है कि पहले ये रेड था, बड़ा व्हाइट कर दिया, क्यों करा पता नहीं, लोग कर रहे काम चल रहे हैं। टॉम के चारों तरफ ना सेम डिजाइन के कॉर्नर, मुझे लगता है चारों तरफ टॉम के चारों तरफ ही इस तरह के फाउंटेन लगे हुए हैं, मतलब ये चारों तरफ है टॉम की, फ्रंट से बैक से राइट लेफ्ट दोनों तरफ, और ऊपर ऊपर देख सकते हो कितनी बढ़िया कलाकारी नमूना है, कितनी अच्छी डिजाइन है। और उसमें जो बात है उस समय से लेके अभी तक ये मेंटेन है, मतलब तो बहुत कम काम मजबूती से हुआ है। हर साइड से ना दो दो रास्ते से ऊपर आने के, हर साइड से दो रास्ते, वन टू सेम हम फ्रंट से आए थे, वहाँ से भी दो दो रास्ते आ गए। चारों तरफ गार्डन है, पीसफुली आप घूम सकते हो। सेम वाइल्ड ऑफ बिल्डिंग्स छोटे छोटे, तो मुझे लगता है कि बाद में बनाएंगे, बहुत छोटी है। सेम यहाँ पर भी फ्रंट साइड से डिफरेंस इतना सा है कि इस ट्रेन के अलावा यहाँ पर भी दो होंगे बनी बस, ये वाली और एक वाली, बाकी चारों तरफ से टॉम करीब करीब सेम ही दिखता है।
अंदर इनका अंदर जा सकते हैं यहाँ भी देखते हैं अंदर क्या है। कुछ नहीं, छोटे रूम बने हुए टॉम के चारों तरफ ही इस तरह के छोटे छोटे रूम्स हैं। तो अभी इधर भी आ सकते हो। यहाँ हमारा एक शेर भी आराम कर रहा है क्योंकि काफी हाइट की वजह से जो टॉम होते हैं काफी ठंडे होते हैं। ऐसी चारों तरफ जो इस तरह के छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और उधर भी ऐसी बना हुए। सेंटर में मेन सफजंग का कब्र है, यहाँ इधर देख सकते हैं। उसके बाद फिर सारा चारों तरफ से इस तरह से रूम छोटे छोटे बने हुए हैं। ऊपर हम टाउन घूम के आ गए, तो हम चल रहे हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे। इस तरह के रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो एक राउंड अबाउट लेते हैं, पूरा टर्न देखते हैं कि क्या यहाँ पर किस तरह से बने हुए हैं। चलो निर्देश दिए गए हैं पर्यटकों जितने भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं कि यहाँ प्लास्टिक यूज़ ना करें, स्टॉर्म को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएं, दीवारों पे लिखना मना है, किसी तरह की असामाजिक गतिविधियाँ पूर्ण वर्जित हैं, परिसर के अंदर धूमपान मदिरा पीना शराब पीना मना है, और इस जो टॉम है इसकी धरोहर को मेनटेन करें, पेड़ पौधों उद्यादों को तोड़ना पहुँचाना गलत है। तो यही सब यहाँ पर है कि जो ये सब ना करें निर्देश दिए गए। पीछे देख सकते हो सुंदर से फूल भी यहाँ पर हो रखे हैं। तो ये सामने से जो, तो ये पूरा कॉरिडोर काफ़ी सुंदर है। मुझे लगता है कि इवनिंग में और अच्छा लग गया, विजिट कर लिया है। उसका एक वाइड जो राउंड है वो लेते हैं। जो टॉम है चारों तरफ से एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड वॉल से कवर है। हमने पीछे देख सकते हो ये वॉल है पूरी एंड टू एंड। तो एक वॉक अराउंड लेके फिर हम ब्लॉग खत्म करते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर आज देखने के लिए, और काम भी चल रहा है। लेकिन पार्क बहुत अच्छा है, जगह अच्छी है, आप शाम को वॉक वॉक के लिए आ सकते हो, फैमिली को दिखा सकते हो सर। सो चलते तो एक ग्राउंड मार के आते हैं।
तो ये है अजय यार, क्या उसको कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, जाली महल कहाँ पर है? ये जाली महल उत्तर मुगल कालीन वास्तुशिल्प में विभिन्न कक्षों युक्त एक लंबवत मंडप योजना मोती महल और बादशाह फसल के साथ ही निर्मित है। इन तीनों महलों में पानी का संचय करने हेतु किया गया था। इनके क्षेत्र में जलकुंड एवं चबूतरे के नीचे स्थित जलप्रपात के माध्यम से प्रवाहित जल उद्यान में स्थित फव्वारों से संचित किया जाता। छत के दोनों ओर जलकुंडों का जुड़ाव पश्चिमी चार दीवारों ढाके हुए हैं। सो जनरली ये है जाली महल, जंगली महल सॉरी, है ना। सो हम जंगली महल जो है ये है, ये जंगली महल और ये फोर्ट के चारों तरफ बने हुए हैं कुछ ना कुछ ना कुछ तरह से। हाँ, तो ये जंगली महल है और इसके अंदर जनरली ऊपर पानी की होंदियाँ बनी हुई, टैंक बनी हुई, और जिन उस पानी को इन गार्डन्स के अंदर सारे फव्वारे चलाने के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, ऊपर छतों पर जालियाँ बनी हैं और ये लंबाई में ये पूरा जंगली महल है। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइड में है, आप मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरह की होंदियाँ ये बनी हुई, ये जंगली महल और इसके सामने फव्वारा और सामने टॉम, ऐसी चारों तरफ उधर भी है, इसके पीछे भी और सामने भी है। चलो आगे चलते हैं। जो इस बिल्डिंग का नाम है ये बादशाह पसंद। पहले यहाँ पर ऊपर भी जाते थे, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर जाना बंद कर दिया। तो उसके बाद देख सकते हैं इसमें क्या है। उत्तर मुगल कालीन वास्तुशिल्प में निर्मित मेहरा युक्त मंडप दक्षिणी दीवार के मध्य एक मकबरे के दक्षिणी ओर स्थित है। बोले पत्थर से इस मंडप की छतें एवं दीवारें विभिन्न प्रकार की जमातीय एवं फूल पत्तियों के उत्कीर्णन से अलंकृत है। मंडप के पूरी ओर एक जलकुंड निर्मित है जो दक्षिणी चार दीवारी के ऊपर प्रवलित जल नाली से जुड़ा हुआ है। तो आप कहने वाला कि उस साइड में जो है एक टैंक है, जो कि ये वाला जो है फाउंटेन है, इसको चलाने के कनेक्टेड है वो इंटर। अब आके आप देख सकते हो बीच में। तो ये बादशाह पसंद है, बादशाह को बहुत पसंद है मतलब ये वाला, तो इसलिए इसका नाम बादशाह पसंद है। Thank you.
सेलिब्रिटी से मिले हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, गार्डनर है मैंने, पौधे वौधे उगाती हैं यहाँ पर, पिछले 20 सालों से काम 25 सालों से यहाँ पर काम कर रही हैं, और दूर से आते हैं काफ़ी उतारती, 3 महीने से करीब सैलरी नहीं मिली है, और गवर्नमेंट मतलब ठेकेदारी सिस्टम पे काम करते करते सोचते नहीं कि कैसे घर चलेगा। आंटी का एक बेटा था, उनकी उसकी डेथ हो गई, एक दूसरा बेटा, उसकी शादी हो गई और वो अलग रहता है बच्चों के साथ। सो मैंने पूछा आंटी फ़ोन है आपके पास, तो बोला फ़ोन भी नहीं है, किसको फ़ोन करूँगी वैसे भी, उनको कहना ही था। तो सुन के बड़ा बुरा लगा, तो मैं आंटी से मिला, थोड़ी बातचीत करी और प्रॉमिस करा कि जल्द मिलेंगे। सोरूम जल्द मिलेंगे, आंटी को एक बढ़िया सा सरप्राइज देंगे नेक्स्ट टाइम, और कोशिश करेंगे वो भी रिकॉर्ड करें, फिर आपसे भी शेयर करें। और आप भी कभी अगर कभी यार सत्संग टॉम आओ ना, जरूर उनसे मिलना। अगर आप सिर्फ बताओ तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दुनिया में यार बहुत लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनको बड़ी ज़रूरत भी है, बट अक्सर हम ना वो उस नज़र से किसी को देखते नहीं। अगर आप किससे प्यार से बात करोगे, सिर्फ दो शब्द प्यार से बात करोगे, तो अक्सर लोग अपने प्रॉब्लम्स ना शेयर कर ही लेते हैं, है ना। तो हम बहुत ज़्यादा मदद तो किसी की नहीं कर सकते, और बहुत जल्दी हम आंटी से मिलने आएंगे और एक अच्छा सरप्राइज आंटी के लिए प्लान करेंगे। हम वो देखेंगे क्या करना है उसके लिए, बट करेंगे ज़रूर। क्यों अरुण, मतलब मेरा मानना है कि यार हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, बट हर इंसान ना कुछ जरूर कर सकते हैं। और अगर आप भी कभी अगर सब्जेक्ट टॉम आगे से आओ, तो अरुण आंटी से ज़रूर मिलना, मैं फ़ोटो शेयर करूँगा, और कुछ ना कुछ आप उनको ज़रूर गिफ्ट करना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, आज हम थे सत्संग टॉम में, और ख़त्म हो गया पूरा ब्लॉग हमारा। तो गुड बाय, मैं आपसे यही बोलूँगा, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप खूब सारा ध्यान रखिए अपना। जब हम यहाँ पर आए तो हमें सिक्योरिटी ने बोला कि आप यहाँ पर कुछ भी एक्सेसरीज यूज़ नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो हमें सारे गैजेट्स वगैरह बाहर रखने पड़े, फ़ोन से डायरेक्टली हाथ पे रख के रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब भी आप आओ यार आंटी से मिलना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहें। थैंक यू सो वेल, सो गुड बाय। अरुण से बाय बाय।